इसकी भी क्रॉप में फीड है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। फ्रेंड, ये वीडियो हमारे एक फ्रेंड है, दिल्ली से हैं, उनके सेटअप की ये वीडियो है। उन्होंने किस तरह से लवबर्ड्स के जो चिक्स हैं वो बजीज पैरोट से निकलवाए हैं और बजीज पैरोट उन चिक्स को बहुत ही अच्छे से पाल भी रहा है। तो फ्रेंड, ये सब उन्होंने एक मजबूरी में किया है, पूरा प्रोसेस जो है उन्होंने खुद बताया है और चिक्स आपको दिखाएंगे भी, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो। फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो है, एक नई जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, मैं आज आपको एक दिखाना चाहता हूं कि ये मेरे पास जो है लवबर्ड्स मूव मास का पेड़ था, ये देखिए ये अभी भी है। दोस्तों, इसकी मेरे पास फर्स्ट ब्रीड थी, फर्स्ट ब्रीड में इसने जो है मेरे पास 4 एग ले किए थे। 4 एग ले करने के बाद ये दोस्तों जो है अपने एग पे बैठ नहीं रहा था और मैं बड़ा परेशान था कि जो है इसकी फर्स्ट ब्रीड है और चिक्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना फूड वगैरह इनको देते हैं, इनकी देख रेख करते हैं, तो इच्छा होती है अंदर से कि कुछ चिक्स हमें अगर हासिल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने एक मेरे पास कोई फोस्टरिंग पेयर भी नहीं था तो मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, इन अंडों को मैं कहाँ करूं, कैसे करूं। फिर मेरे को एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इनको जो है, एक मेरे पास बजरी का पुराना पेयर है, काफ़ी टाइम पुराना, मतलब 3-4 साल पुराना, तो मैंने सोचा कि इनको इनके जो अंडे हैं बजरी के नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। और बजरी ने जैसे पहला अंडा ले किया तो फिर मैंने उसका पहला अंडा हटा करके वो इसका पहला अंडा टेक दिया, फिर दूसरा अंडा, फिर तीसरा अंडा, चौथा अंडा, ऐसे करके मैंने उसके 6 अंडे उसके जो है दूसरे पेयर के नीचे शिफ्ट कर दिए बजरी के, और इसके 4 अंडे मैंने उसके नीचे रख दिए, क्योंकि वो जो है 6 अंडे छोटे छोटे होते हैं बजरी के, तो वो अपने नीचे जो है उन्हें रख लेती है आराम से, लेकिन लवबर्ड्स के अंडे जो हैं थोड़े बड़े होते हैं तो वो जो है उनको रख नहीं पाती। इसलिए जो है मैंने एक एक करके उसके अंडे दूसरे के नीचे रखे और इसके अंडे उसके नीचे रखे। तो दोस्तों, फिर मैंने उसके अंडे कुछ दिन बाद चेक भी किए, चेक करे तो देखा, मुझे लगा हाँ यार ये तो फर्टाइल हैं और इसके अंदर चिक्स भी बनने लगे हैं। तो दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब देखो, मैंने ये दोबारा से भी लेगिंग की तैयारी कर रहा है पेयर। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस बजरी ने जो है चारों चिक्स जो है हैच करके निकाल लिए हैं और अच्छी फीड करा रहा है वो पेयर। ठीक है दोस्तों, आओ चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो प्रोग्रेस क्या है। देखिए दोस्तों, ये मेल बाहर है और फीमेल ये देखिए मटकी से बाहर अभी आई है, आपके सामने ही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये वो फीमेल है और ये जो है वो मेल है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये 4 चिक हैच कर लिए हैं। ठीक है, और मैं भी आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन दोस्तों एक दिक्कत ये है कि कैमरा पकड़ने में मैं अकेला ही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, चारों चिक जो है इसने हैच कर लिए हैं और फीड भी बहुत अच्छी करा रही है ये फीमेल। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसकी भी क्रॉप में फीड है। ठीक है दोस्तों, एक ये वाला बच्चा है, देखिए इसकी भी क्रॉप में फीड है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, और ये सबसे बड़ा वाला बच्चा है दोस्तों। ठीक है, और बजरी और लवबर्ड्स के बच्चे में तो आप फ़र्क पहचान ही लोगे, क्योंकि बजरी के बच्चे के ऊपर कभी जो है ये रुएँ नहीं होते और बजरी के बच्चे की चोंच भी कभी इतनी बड़ी नहीं होती। ये एक एक दिन के बच्चे हैं, देखिए ये वाला, ये एक दिन का बच्चा है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं और ये खूब अच्छी फीड करा रही है।
लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ये बच्चे 10-15 दिन के होंगे तो ये हमें जो है हैंड फीड पे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बजरी जो है इतने बच्चों को फीड करा नहीं पाती, क्योंकि लबर्ट्स के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और बजरी के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, तो इस वजह से जो है हमें ये बच्चे उठाने पड़ेंगे। मतलब पहले बड़ा बच्चा उठा लेंगे हम और उसके बाद फिर हम छोटा बच्चा उठाएंगे, मतलब 5-5, 6-6 दिन का गैप करके। जैसे 15 दिन का बड़ा बच्चा होगा हम उसे उठा लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम जो है 5-7 दिन बाद दूसरा बच्चा भी उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके फ्रेंड आपने देखा और बहुत अच्छे से सुना भी होगा कि किस तरह से भाई ने ये सब किया है। तो इन्होंने किया फ्रेंड ऐसा कि एक पेयर ऐसा चुना बजीज पेरोट का जो बहुत ही अच्छी ब्रीड करता हो, जो अपने चिक्स को अच्छे से पालता हो, 4 से 5 चिक्स को पालने वाले पेयर को सेलेक्ट किया और उस पेयर के नीचे लोबर्स के जो अंडे थे वो शिफ्ट किए, और किस तरह से शिफ्ट किया उन्होंने आप सबको बहुत ही अच्छे से बताया भी है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।